तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ JAB वर्सेस PLG के मैच के बारे में, जो एशिया स्टेडियम का 17वां मैच होने वाला है। हमेशा की तरह सारी बातें आपके सामने रखूँगा, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्मॉल लीग टीम में, कौन बनेंगे आज के ट्रम्प। तो मेरे भाई, अगर आप इस मैच में सिंगल रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, सीरियस हो इस मैच को लेकर, रियली में पैसा कमाना चाहते हो, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस 5-10 मिनट की वीडियो से। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, मैं आपको 100% के साथ कह सकता हूँ आपका प्रॉफिट होगा आज वाले मैच में, ठीक ना, ये वाले मैच में। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रम्प पिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे जो प्रीवियस मैचेस के रिजल्ट है, जो मैं आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से ले चलता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाई लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, बैक टू बैक हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सारे T10 के मैचेस वन साइडेड विन कर रहे हैं हम डेली, ठीक ना। मैं आपको फ्री टीम देता हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हो, आपको पूरा फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, और आपका मतलब 80% प्लस मैचेस में आपका प्रॉफिट होता ही होता है। तो मेरे भाई, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब लोग ज्वाइन कर लेना। और आप कमेंट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला कमेंट जो होगा उसमें मैंने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है यूट्यूब के थ्रू। तो भाइयों, कुछ इस प्रकार से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप आ जाओगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगा ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल करके, और लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो यहीं से, ठीक ना। उसके बाद मैंने आपको फैंटेसी अखाड़ा एप्लीकेशन का लिंक दिया है, तो जो भी कोई लॉस में हो ड्रीम इलेवन में, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है, सारे जो बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट है सब यहीं पर प्ले करते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है ड्रीम इलेवन में, ठीक ना। इसीलिए वहाँ खेलोगे तो लॉस ही होगा, लेकिन आप फैंटेसी अखाड़ा में खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कम कॉम्पिटिशन है कि आप यूँ मान सकते हो आप यहाँ पर लॉस वाली टीम से भी विन कर जाओगे, बहुत ज़्यादा लो कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। तो सब लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डाउनलोड करने के बाद रेफर कोड में ड्रीम टीम यूज़ कर देना ये रहा, ठीक है। इससे आपको फ्री के 500 रुपीज़ बोनस कैश मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा खासा यूजेबल होता है। तो आपको मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ कैसे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स, इस कमेंट बॉक्स पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो कमेंट दिखेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, आपको सीधा ले चलता हूँ ड्रीम इलेवन में, बता टीम बना के दिखाऊंगा कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भाई, हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो प्लेयर दिख जाएंगे, एक नईम अहमद और एक आर मुदस्सर। तो यहाँ से नईम अहमद काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे हर मैच में, मतलब ठीक ठाक स्कोरिंग करते हुए भी आ रहे हैं, आर मुदस्सर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे, तो आपको इन्हीं के साथ जाना है। अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, यहाँ पे आपको तीन प्लेयर लेके ही चलने हैं, यहाँ से एम रियाज, जे मोहम्मद और एफ अली। एम रियाज देखो भाई, आपको विकेट कीपिंग के साथ में, ओ सॉरी, आपको दो एक से दो ओवर की बॉलिंग देंगे, साथ में आपको बैटिंग करके देंगे, ठीक ना। अच्छे पिक रहेंगे स्मॉली के लिए, आपको लेके चलना है इनको। जे मोहम्मद आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हुए देखेंगे, और लास्ट के कुछ मैचेस से इनका फॉर्म वापस आ रहा है, तो अच्छे पिक रहेंगे अब स्मॉली की टीम में, पहले अच्छे नहीं थे, ठीक ना। तो आप इनको स्मॉलिंग में अपने इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट दिखेंगे एफ अली, जो टॉप ऑर्डर में JAB की टीम की तरफ से आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, और ये भी अच्छे पिक इसलिए रहेंगे क्योंकि बड़े बड़े नाम उपलब्ध नहीं है बैटिंग सेक्शन में। तो ये तीन पिक आपके लिए डिफ़ॉल्ट रहेंगे, इन्हीं के साथ आपको चलना है। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे पिक मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊँगा आपको किसके साथ जाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे भाई, यहाँ से आपको असद इमरान को लेके ही चलना है, जो आपको ओपनिंग के साथ में आपको दो ओवर की बॉलिंग देंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ठीक ना। फर्स्ट मैच में इनका 5% के आसपास सिलेक्शन था, तभी मैंने बोल दिया था भाई जब भी ये बंदा खेले CBC ट्राई कर लेना, और भाई अच्छा खासा पॉइंट देखे गया था पहले ही मैच में, वो मैच भी हमने वन साइडेड विन किया था। तो ये होता है प्रिडिक्शन का लेवल, ऐसी टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, फिर से कह रहा हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके सब लोग ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप सभी को, ठीक ना। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से पिक करना है एच अब्दुल, जो आपको दो ओवर की बॉलिंग देंगे, प्लस थर्ड डाउन आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे JAB की टीम की तरफ से, और बॉलिंग से ही ज़्यादा उम्मीद रखना भाई से, अच्छे बॉलर है, ठीक ना। तो ये दोनों डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे स्मॉल लीग टीम में। यहाँ से आपको देखेंगे एच नवीद को, देखो भाई आप तभी पिक करना जब PLG की टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही हो, ठीक ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग करेगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एच नवीद को नहीं ले रहा,
क्योंकि इनका बॉलिंग मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। बैट्समैन जब गलती करता है तभी इनको विकेट मिलते हैं, ठीक ना, ऐसे टाइप के बॉलर है ये, इसीलिए मैं इनको इस मॉलिक टीम में अवॉइड कर रहा हूँ। फाइनल टीम में लूँगा या नहीं लूँगा इसका अपडेट आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, सब लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दे दिया गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ से पिक करूँगा एच रंझा को, जो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग देंगे। भाई 5% सिलेक्शन है, हर मैचेस से ये फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न यही है कि मतलब इनको ज़्यादा मौका तो मिल रहा है लेकिन मौके को भून नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो जिस बंदे को भाई ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग मिल जाए, ओपनिंग नहीं टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग, और हाँ भाई यही टीम का कैप्टन भी है अपनी टीम का, तो काफ़ी अच्छा खासा इसको रोल है। कभी भी ये गुच्छे में पॉइंट देगा, मतलब एक बार में 100+ पॉइंट देगा देखने एक बार में, ठीक ना। उसका सिलेक्शन काफ़ी कम होगा और हो सकता है वो दिन आज ही हो, इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग देगा, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एच रंझा, ठीक ना। तो ये रहे मेरे तीन ऑलराउंडर्स। अब हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ से आपको टी रियाज ज़रूर से लेना है, अपनी टीम के मेन बॉलर में से एक है, ठीक ना, और हर मैच में विकेट लेते हुए आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। नेक्स्ट आपको लेना है डब्ल्यू अहमद, दे रखे हैं बॉलिंग सेक्शन में, है ऑलराउंडर, ठीक ना। सारे मैचेस में ऑलराउंडर थे, आज बॉलिंग सेक्शन में आ गए, तो आपको सेकेंड राउंड आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। साथ में आपको दो ओवर की बॉलिंग देंगे, दोनों ही मतलब बैटिंग बॉलिंग इनका दोनों ही अच्छा है, सी वी सी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक ना। बाकी आपको नेक्स्ट यहाँ से पिक करना है वाई मकसूद को, ये भी अच्छे बॉलर है, हर मैच से कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए आ रहे हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे इस मौलिक टीम में। और यहाँ से जो लास्ट पिक हमारे बनते हैं वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जे बी की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो मैं यहाँ से आर कुरेसी को लूँगा, अगर जे बी की टीम मतलब पहले बैटिंग करेगी और पी एल जी पहले बॉलिंग करेगी तो मैं यहाँ से एच नवीद को लूँगा। फिलहाल के लिए मैं आर कुरेसी को ही लेके चल रहा हूँ। तो भाइयों कुछ इस प्रकार से आपको हमारी इस मौलिक की टीम दिखेगी, ठीक ना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी, ये मैं आपको बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्लेयर आपको लेने हैं अपनी टीम में। तो बात करते हैं अब कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन की, तो कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए यहाँ से असद इमरान, जो आपको ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग देंगे। अच्छे बॉलर है, अच्छे बैट्समैन है, सबसे अच्छे रहेंगे कैप्टनसी के लिए, ठीक ना। तो कैप्टन यहाँ से रहेंगे असद इमरान, वाइस कैप्टन के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ से डब्ल्यू अहमद। इनका सिलेक्शन देखो भाई सी वी सी का ओनली 1 और 3%, क्योंकि ये बॉलर में आ गए तो सबको लग रहा है बॉलर है ये, लेकिन भाई है और ये ऑलराउंडर, और अच्छे पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए। दो ओवर आपको डाल के देंगे, साथ में आपको सेकेंड राउंड बैटिंग करते हुए दिखेंगे। तो भाइयों कुछ इस प्रकार से आपको हमारी इस मल्लिक टीम दिखेगी, ठीक ना। और भाई आपको खुद पता है T10 जैसे मैचेस बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कोई इन सब में से कोई ऐसा प्लेयर भी हो जो ना खेले, तो ऐसा कुछ होता है अगर कोई प्लेयर इनमें से ना खेलता है, तो उन सब का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा आपको कि आपको उस बंदे को ड्रॉप करके किसको लेना है अपनी टीम में, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फाइनल टीम वहीं मिलेगी और अच्छा खासा विन रेट है हमारे टी10 वाले मैचेस में। तो अगर आपको भी विनिंग करनी है अच्छी खासी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे मिल जाएगा, ठीक ना। सब लोग ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो मेरे भाई ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। आपका एक एक सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, उससे हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ का, ठीक ना। तो ठीक है भाई, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।